सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही भोपाल से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS हटाने का फैसला लिया था। अब इसे हटाने की कार्य योजना को लेकर 17 जनवरी को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में तय किया गया कि जल्द ही BRTS को हटाने की कवायद शुरू की जाए। 20 जनवरी से भोपाल में BRTS हटाने का काम भी शुरू हो जाएगा। BRTS को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि BRTS कॉरिडोर यातायात में परेशानियों को देखते हुए और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं और कॉरिडोर को हटाने का काम रात में किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग मिलकर शहर में यातायात व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि कॉरिडोर हटाने का काम सबसे पहले बैरागढ़ से शुरू किया जाएगा। बता दें कि भोपाल में BRTS कॉरिडोर का निर्माण शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किया गया था। 15 साल पहले बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS के लिए अलग कॉरिडोर बनाए गए थे। साल 2011 में एक संशोधन DPR के बाद इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद 27 सितंबर 2013 को BRTS का काम पूरा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट में करीब 15 साल पहले 360 करोड़ रुपए खर्च किए थे। BRTS चौड़ी सड़कों के बीचों बीच बनाया जाता है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाली बसें चलती हैं। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, इसलिए मोहन यादव सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया है।